यूपीएससी कनेक्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 9th के एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साइज एंड लोकेशन इंडिया का, वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इंडिया का जो लोकेशन है ये नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न रीजन में है कंप्लीटली। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो है इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, जिसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 degree 4 minutes नॉर्थ, ये लैटिट्यूड लोवेस्ट है, और 37 degree 6 minutes नॉर्थ, ये अपर पार्ट अपर लिमिट है जो इंदिरा कोल के पास पड़ता है, इंदिरा पास के पास पड़ता है। गुहार मोती 68 degree 7 minutes नॉर्थ एंड किबिथू 97 degree 25 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपका है एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 equal parts में डिवाइड कर देता है, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके का क्लाइमेट इंडिया में मिल जाता है। ओके, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड पे है, और वैसे अगर बात करें हम इंडिया के कुल एरिया की तो 3.28 million square kilometers का एरिया जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% होता है, और 7th largest country है इंडिया जिसकी कोस्ट लाइन जो है ऑलमोस्ट 7,516 kilometers है, और सबसे ज़्यादा जो अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से लैंड एरिया जो शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। ओके, तो आइए देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या है। लैंडमास इज करंटली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड वेस्ट एशिया, इंडिया जो है एशिया में वेस्ट एंड वेस्ट एशियन रीजन में लोकेटेड है। जो डेक्कन पेनिनसुला है हेल्प एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, और कारण ये है कि पेनिनसुला जो है वो सी कोस्ट से अटैच्ड है। ये पेनिनसुलर इंडिया का जो पेनिनसुला है जो ट्रायंगुलर शेप में है, यहीं पे सबसे पहले फॉरेन ट्रेड या कॉन्टेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। ओके, ये आपका जो है मैप में दिखाया हुआ है कि गुहार मोती ईस्टर्न मोस्ट, किबिथू जैसा मेंशन किया वेस्टर्न, 8.4 degree north केप कमोरिन, ये जो एरिया है ये आपका कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि इंदिरा पॉइंट का जो एग्जैक्ट है 6.6 degree 45 minutes नॉर्थ, ये है अंडमान एंड निकोबार का रीजन है। ओके, तो ये आपका टोटल है, और 12 nautical miles यानी कि 21 किलोमीटर जो है अब हमारी ज़मीन से यहाँ से समंदर की तरफ हमारी बॉर्डर की लिमिट पड़ती है। लेंथ की में आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी आप सबसे पहले ये देखिए कि जो ग्रीन में मार्क्ड हैं ये वो स्टेट हैं जो दो इम्पॉर्टेंट लाइन्स को शेयर करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीस दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होता है, जो कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इंडिया को, और 15 डिग्री का रेंज इधर और 15 डिग्री का रेंज इधर, यानी कि 1 hour इधर और 1 hour इधर, तो टोटल डिफरेंस जो है वो 2 hours का इस तरीके से हो जाता है। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाला पहला स्टेट गुजरात, देन राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स हैं त्रिपुरा एंड मिजोरम। नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसको अरेंज करें जहाँ से IST पास होता है तो UP, MP, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, नो तेलंगाना, डिवीजन के बाद भी तेलंगाना नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन इंडिया हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब पूरा वर्ल्ड एक पैनजिया में था, पैन मतलब बहुत बड़ा, जिया मतलब ज्योग्राफी यानी कि आपका जो अर्थ है वो। उसके बाद में ये दो पार्ट में बना, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, फिर उसके बाद में और डिवीजन हुआ, यूरोप एंड एशिया एक साथ है, अफ्रीका डिवाइड हुआ, अब इंडिया मूव करने लगा, और मूव करते करते यहाँ पे जाकर के इंडिया इस्टेब्लिश हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा, अंटार्कटिका अपनी जगह पे रहेगा और साउथ अमेरिका और इधर चला जाएगा जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, फिर ये जो है ये इस तरीके से मर्ज करता है और यहाँ पे जा करके हिमालयन माउंटेन फॉर्म होता है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा।
ठीक है। तो करेंट लोकेशन इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वर्ल्ड के ये जो है आपका ये रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट है, सॉरी साउथ वेस्ट है, ये जो है आपका साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे इंडिया का लोकेशन है। अब आते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। अगर बात करते हैं वैसे जो हम क्लेम करते हैं इंडिया का बॉर्डर, तो अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन अगर बात करें उस जगह पे जहाँ पे बॉर्डर जो इंडियन फोर्सेस जो है हमारी वो तैनात होती है दूसरे कंट्री के सामने, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में आ जाता है पीओके। तो पीओके के बाद में ये वो रीजन है जहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। चूंकि पीओके को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो ये दो हो गया, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश और दो आइलैंड कंट्री, एक मालदीव है आपका और दूसरा श्रीलंका। ये पाल्क स्ट्रेट जो है ये इसको डिवाइड करता है। तो इंडिया का जो है ये स्टेटस है आपका फिलहाल।